फ्रेंड, फिर से एक बार हमें परीफिश एक्वेरियम में और हम सबके चाहते आरिफ भाई हमारे साथ में है। हम ओल्ड शॉप में यानी परीफिश एक्वेरियम 1 में। तो आरिफ भाई, आपके शॉप में कौन से फिश का नया स्टॉक है इस बार? बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज की मच्छी है थोड़ी सी, और अलग छोटी बड़ी साइज में। तो आप लोग को वीडियो देखिए पूरा, और मैं आप लोग को जो भी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है उसका बताता हूँ आपको क्या क्या मेरे पास अभी मच्छी अवेलेबल है दुकान के अंदर। काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, भाई आपका बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आ रहा है, तो मेरे पास अभी कौन सा मच्छी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वीडियो में, और प्राइसेस वगैरह पता चलेगी क्या क्या मेरे पास है अभी इस प्रेजेंट में। और आप लोग को सबसे पहला रमज़ान की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी। और ये मैं रमज़ान का पहला वीडियो बना रहा हूँ रमज़ान के महीने में, और इंशाल्लाह तो बहुत दिनों के बाद बनाया हो तो काफ़ी टाइम लग गया, तो इंशाल्लाह देखिए पूरा वीडियो और देखिए कि मेरे पास कौन सी मछली है। ठीक है ना आरिफ भाई, वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसका रीज़न हम बाद में देखते हैं। अभी हम चालू करते हैं फाइटर फिश है, जो कि परीफिश एक्वेरियम की शान है। तो चलिए आरिफ भाई, फाइटर फिश से स्टार्ट करते हैं। तो आरिफ भाई, आपके शॉप में जो फाइटर फिश होता है उसका हमेशा ही बहुत ही प्यारा था और कलरफुल कलेक्शन रहता है, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज होती है फाइटर फिश में, तो इस बार भी दिख रहा है वैरायटीज आरिफ भाई, तो इसमें आप कुछ बताना चाहोगे कि कैसा प्राइसिंग है इनका? वही जो मूनटेल्स की वैरायटी वही है जो 154 पपीज़ के हिसाब से है यहाँ पे, और एलिफेंट वगैरह है यहाँ पे, कैंडी है, प्लाकट है, वाइट है मेरे पास, तो ये सब वैरायटी अवेलेबल है अभी। और फीमेल्स है, फीमेल कैंडी में भी फीमेल है और मूनटेल्स में भी फीमेल है, तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, वो सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है यार इधर। हाँ, और ये वाला कौन सा यार इधर? बहुत ही दिखने में बहुत ही एकदम बढ़िया सा कलर दिखता है, कैंडी प्लाकट है वो। तो ये कितने तक मिल जाता है यार इधर? वो 400 रुपए के रेंज में आता है, 400 रुपए ईच। यस ओके। और इसमें जो ये वाले दिख रहे हैं यार इधर, ये एलिफेंट ईयर है। एलिफेंट ईयर कितने तक मिल जाएगा? एलिफेंट 250 रुपए में, 250 रुपीस यस ईच ईच। और आरिफ भाई, यहाँ पे ये रेड वाला बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, फुल मून में। फुल मून में आपको मिल जाता है 154 पर पीस में, 150 रुपीस पर पीस में मिल जाएगा ना। यस, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है। और आरिफ भाई, जैसे कि किसी को ब्रीडिंग करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में उसके लिए अवेलेबल है, उसके लिए कैंडी की फीमेल और मोनटेल की फीमेल भी अवेलेबल है, दोनों फीमेल्स अवेलेबल है। तो अरे भाई, इसकी बात कर रहे थे आप? हाँ, ये बिगर साइज की फीमेल्स है यहाँ पे मिक्स लॉट में, जैसे कि ड्रैगन में है, गोल्डन में है, रेड में है, ब्लू में है, ये फीमेल्स है फुल साइज में। ओके, तो इनके क्या प्राइस है अरे भाई? ये समथिंग 154 पर पीस के हिसाब से, 150 रुपीस पर पीस। यस, यानी ये फीमेल्स है जो कि आप ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो ना अरे भाई? हाँ, फीमेल अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि हम ब्रीडिंग कर पाएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर अदर साइड में आप अप साइड में आजू बाजू में भी दोनों को पाल सकते हो। और यहाँ पे जो फीमेल दिख रही है ये कैंडी जो प्लाकट होता है उसकी फीमेल्स है, और इसके अलावा यहाँ पे ये पैकेट्स के अंदर जो मेल है ये मेल्स है, अलग रखते हैं ये लोग को, फाइट करते हैं लोग। ओके ओके, फाइट करते करके आपने सेपरेट रखा हुआ है। हाँ, ये कैंडी के मेल्स है। ओके अरे भाई, तो इनके क्या प्राइजेस है? ये फीमेल 300 रुपीज का, मेल 400 रुपीज का। ये जो फीमेल है वो 300 रुपीज में मिल जाएगी। यस, और मेल जो है वो 400 रुपीज इच में। प्यारे दिख रहे हैं। कैंडी का जो होता है ये कलर खूबसूरत ज़्यादा होता है नॉर्मल बेटास के मुकाबले में, ट्रायो कलर थोड़ा मिक्स कलर होता है और पालने के हिसाब से थोड़े हेल्थी होते हैं। एक्चुअली ये डिस्कस थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है, तो ये वाला आपको आ जाएगा 604 पर पीस के हिसाब से। ओके, 1200 पैर में आपको, इसके अंदर रेड कवर वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, ये मेलन है, व्हाइटेस्ट मेलन है, चेकर बोर्ड वगैरह वैरायटी है इसमें, बहुत सारी वैरायटीज है इसमें। हाँ, इसमें मिक्स लॉट में है, तो ये आपको 604 ईच के हिसाब से पड़ेगा, 600 रुपीस ईच। हाँ, और यहाँ पे भी दिख रहा है भाई, यहाँ पे जो है दूसरी वैरायटी है, यहाँ पे ब्लू डायमंड वगैरह है, रेड एंड वाइट है, व्हाइट फेस मेलन है, ये सब वैरायटी है इसके अंदर। ये आपको लेंगे तो आपको डिपेंड है, ये वाला जो है ये लेंगे आपको 2500 रुपीस का पैर है, और छोटे वाला लेंगे 1300 पैर में आएगा ये वाला है ना। और अरे भाई, इसमें अरवाना दिख रहा है, ये आरडीजी अरवाना है, रेटल गोल्डन अरवाना, 8500 रुपीस का, 8500 रुपीस। साइज क्या होगा अरे भाई? 8 इंच का साइज है, 8 इंच का। इसके साथ में रख सकते हैं अपन डिस्कस में। तो अरे भाई, ये वाला अरवाना जो है वो सिल्वर अरवाना है, इसका क्या प्राइस है? ये 12 इंच का अरवाना 1800 रुपए पर पीस, 1800 रुपीस ईच, 1800। ये बड़ा साइज होने की वजह से इसका प्राइस इतना है? साइज के हिसाब से डिपेंड होता है भाई, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है, और बड़ा मच्छी है थोड़ा तो साइज के हिसाब से पेमेंट भी लगता है हिसाब से। और आदि भाई, यहाँ पे भी सिल्वर अरवाना दिख रहा है ये? हाँ, ये 700 रुपये पीस है, 700 रुपीस ईच। ये कम में मिल जाएगा ना? हाँ,
छोटा। अरे भाई ये वाला कौन सा फिश है? ये ब्लू पैरेट है, पोलार। हाँ यस, पैरेट फिश का वैरायटी है ये। हाँ पैरेट का छोटा वर्जन, मतलब जैसे कि ब्लू पैरेट वगैरह बोला जाता है इसको, पोलार पैरेट वगैरह। अरे भाई ये दिखने में तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, छोटा सा पैरेट का वर्जन, छोटा वर्जन। 125 इंच में आएगा, 250 रुपये का। ओके, और इसका यानी किसके साथ में रख सकते हैं ऐसा कुछ? ये सेमी एग्रेसिव में आते हो, नॉर्मली आप इसको अपना डॉलर वगैरह के साथ में भी रख सकते हो, या फिर शिवरम के साथ में, या फिर नॉर्मल अपना जैसे कि ज़्यादा एग्रेसिव मच्छी के साथ में नहीं रखना होता है। बड़े काफ़ी लोग को पता नहीं है, पैरेट बोलेगा तो बड़े पैरेट के साथ में नहीं रहता ये। ओके, अम्मा डालेगा इसको बड़ा पैरेट। ये इतना ही साइज होता है? हाँ थोड़ा बड़ा होता है ये, मिनिमम 1.5-3 इंच का साइज होता है। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अरे भाई यहाँ पे येलो पैरेट दिख रहा है, ये येलो पैरेट है इसके अंदर। हार्ट शेप एंड नॉर्मल पैरेट है इसके अंदर, तो आपको 700 फॉर पेयर में आ जाएगा। 700 रुपीज़ पेयर। और यहाँ पे रेड पैरेट दिख रहा है भाई? हाँ रेड पैरेट लेंगे, टेल वाला है ये वाला, 600 पैर में आएगा, 8 सेंटीमीटर का है, 600 रुपये पैर में आएगा, 600 रुपीज़ पेयर। यस। और अरे भाई यहाँ पे गप्पी फिश का बहुत ही लॉन्ग टेल वाला गप्पी फिश दिख रहा है। ये बड़ी टेल वाली गप्पीज है, आपको ये 75 इंच में पड़ेगी, 154 पैर में। अगर आप डजन में लेना चाहें तो आपको 900 फॉर डजन में, मतलब 800 रुपये डजन में तक समथिंग मिल जाएगी। 800 रुपीज़ डजन में मिल जाएगा। मेल एंड फीमेल बिगर साइज का टेल है इसका, बड़ा टेल वाला, तो इसमें अच्छा क्वालिटी का ये थोड़ा ग्रेड आता है गप्पीज के अंदर भी, तो मेल एंड फीमेल है फुल साइज में, तो ये आपको मिल जाएगा 800 रुपये डजन। किसी को ब्रीडिंग करना है तो वो ले सकते हैं आराम से इसको, नॉर्मली काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में बच्चे देते हैं। और दिखने में भी बहुत ही लॉन्ग टेल दिख रहा है, बड़ा टेल दिख रहा है इसका, बड़ा टेल और साइज भी बड़ा है लोग का नॉर्मल गप्पीज के मुकाबले में। और अरे भाई यहाँ पे भी गप्पी दिख रहा है, ये छोटा गप्पी है, रेटेल गप्पी एंड प्लेटिनम गप्पी इसको बोला जाता है, तो ये आपको 250 रुपये डजन में मिलेगा, 250 रुपये डजन में मिल जाएगा। यस। ओके, 250 रुपीज़ डजन। यस। ओके, यानी जिनको जैसा गप्पी चाहिए वैसा आपके पास में मिल जाएगा। हाँ, कम प्राइस वाला दोनों शॉप में अवेलेबल है गप्पीज का वैरायटी। बहुत बढ़िया जी भाई। अरे भाई यहाँ पे शिवरम का छोटा वैरायटी दिख रहा है। यस, शिवरम वाला 100 रुपीज़ इंच में पड़ेगा, 200 रुपये पैर में। और इसके अलावा रोटली शिवरम आता है वो वाला आपको 300 रुपये पैर में मिलेगा। वो है इसमें अरे भाई? हाँ यहाँ पे अवेलेबल है कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेज अवेलेबल है। ठीक है, आपके पीछे हाँ वो वाला दिख रहा है। 300 रुपये पैर में आएगा आपको रोटली शिवरम। अरे भाई यहाँ पे गोरामी फिश भी दिख रहा है। यस, ब्लू नियॉन गोरामी एंड डॉप गोरामी है इसके अंदर, तो आप लोग को ये 125 इंच में पड़ेगा। अगर आप इसमें से कोई भी बाय करो, कोई भी ले सकते हैं, 125 रुपीज़ ईच। इम्पोर्टेड गोरामी है ये, एक कलकत्ता मद्रास से आती है, जो नॉर्मली छोटा साइज में स्मॉल रहता है, ये थोड़ा बड़ा साइज का रहता है इम्पोर्टेड में। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग विदाउट ऑक्सीजन में रहने वाला मच्छी है, तो आप लोग को ये 250 रुपये पैर में आएगा, चलेगा। अरे भाई यहाँ पे गोल्ड फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया आपने, ये कितने तक मिल जाएगा? ये आपको 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ेगा। इसके अंदर बटरफ्लाई एंड ट्रायो है, ब्लैक वरांडाज है, फुल जली वाला इम्पोर्टेड वराइटीज़ में, ये वाले आपको 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ेंगे। इसमें से कोई भी बाय कर सकते हैं आप इसके अंदर। ये बटरफ्लाई टेल एक्चुअली लोग का टेल जो पीछे का बड़ा होता है थोड़ा सा, ये वाले और ये दिखने में थोड़े खूबसूरत नॉर्मल गोल्ड के मुकाबले में काफ़ी हेल्थी होते हैं थोड़े से, और एक्टिवनेस में ज़्यादा होते हैं। तो ये वाले 1500 रुपीज़ ईच में मिल जाएगा। और अरे भाई अपने पास में नॉर्मल गोल्ड भी अवेलेबल है ना? हाँ, गोल्ड के अंदर काफ़ी लोगों का बजट नहीं होता है, थोड़ा नॉर्मली स्टार्टिंग पालना चाहता है, तो इसके लिए ये भी है, कुछ 60-70 रुपये पैर के हिसाब से आ जाता है ये। ओके, कुछ में मिल जाएगा ना? यस। और अरे भाई यहाँ पे जो फिश दिख रहा है ये कोई फिश है? यस, कोई में वेल्टेल एंड नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट और मिल्की कोई है इसके अंदर, तो ये वाला आप लेंगे तो 100 रुपीज़ पैर में आपको आ जाएगा। बिगर साइज है, थोड़ा सा अच्छा है, क्वालिटी हेल्थी मच्छी है, 100 रुपीज़ पैर। और अरे भाई यहाँ पे भी कोई फिश का कलेक्शन दिख रहा है? हाँ, इसमें रेड एंड वाइट एंड येलो गोल्डन कोई वगैरह सब कुछ मिक्स है इसमें, ब्लैक एंड वाइट है। ये आप लेंगे 250 रुपये पैर में आएगा, 250 रुपीस। यस, पैर में, पैर में। और इसके अलावा अल्बिनो शार्क एंड ब्लैक शार्क है, जो आपको 250 रुपये पैर में या 200 रुपये पैर में आ जाएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है अरे भाई शुभम की फिश दिख रहा है? शुभम के लिए ब्लैक गोल्ड है इसके अंदर, 100 रुपीज़ पैर में आपको आ जाएगा। गोल्ड फिश की वैरायटी है ये, तो आपको वही रेट में आ जाएगा, और वही टैंक में आप रख सकते हैं इसको इजीली, तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ फोर पैर में आ जाएगा। अरे भाई ये फ्लोन दिख रहा है यहाँ पे? मॉन्स्टर का फ्लोरो नहीं है, 2500 रुपीज़ में आएगा, 2500 रुपये में। 2500 रुपीज़ ईच। यस, बहुत ही प्यारा दिख रहा है अरे भाई ये वाला फ्लोहन का पीस, बहुत बड़ा हेड है इसका, मॉन्स्टर का, मॉन्स्टर का है। और भी फ्लोन है अरे भाई? हाँ, और भी है, और भी बहुत सारे फ्लोन दिख रहे हैं अरे भाई आपके पास में, ये कैसे वैरायटीज के और क्या? यहाँ पे सब अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग रेट्स के है, हेड मार्किंग वाले हैं,
बॉडी पे पैटर्न वाले हैं, सब अलग अलग मैग्मास है यहाँ पे, मॉस्ट कॉक है यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटीज के फ्लावर हैं। ये वाली कम्फा में क्लासिकल कम्फा है यहाँ पे, ये वाला मैग्मा यहाँ पे, मतलब मिक्स लॉट में है मेरे पास फ्लोरॉन और भी है। यानी जिस टाइप का भी फ्लोरॉन चाहिए आपको उस टाइप का फ्लोरॉन इनके पास में मिल जाएगा। 1500 रुपये से 2000 तक के रेंज में फ्लोरॉन है हमारे पास इसमें तो। और इसके अलावा यहाँ पे भी फ्लोरॉन है। अरे भाई ये वाले भी फ्लोरॉन दिख रहे हैं। हाँ ये भी फ्लावर है यहाँ पे, बेबी फ्लावर पीछे जो हेड वाला बच्चा है वो भी नजर आएगा आपको। वो कितने वो 600 रुपीज़ में। 600 रुपीज़ जिनको छोटे साइज में कम प्राइस में फ्लोहॉन चाहिए हेड वाला, फ्लोहॉन में आपको शॉर्ट बॉडी लॉन्ग बॉडी वो भी मिल जाएगा। बेबी में अगर आप चाहते हो लेना चाहते हो लोकल में तो भी मिल जाएगा, इम्पोर्टेड वराइटीज में चाहिए तो भी मिल जाएगा। और अरे भी यहाँ पे दिख रहा है ये वाला मोनो एंजल से, मोनो एंजल है यस ओके। इनका क्या प्राइजेस है? 125 ही चाहिए। 125 रुपीज़। ब्लैक वाटर फिश बोलते हैं अरबी इसको, ब्लैकिश वाटर है ये एक्चुअल। आपको नमक डालना होता है इसके अंदर, आप इसको लेना चाहते हो बाय करना चाहते हो तो आप इसको नमक थोड़ा हल्का डालना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट पानी में और नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा इसको ब्लैक पड़ के काला पड़ के मरने के चांसेस है, तो आपको नमक डालना, थोड़ा नमक डाल दिया तो इसके लिए हेल्दी रहेगा फिश। यस। और अरे भी यहाँ पे गोल्ड फिश दिख रहा है, वरांडास वगैरह है इसके अंदर, वरांडास कैलिगो एंड रेड कैप इसके अंदर है। ये 354 में आपको आ जाएगा, 350 रुपीज़ पेयर में। और ये वाला कौन सा है? अरे कैलिगोज है। कैलिगोज है अरे मिक्स है इसमें भी, लेकिन अब अगर आप बाय कर रहे हो तो कितने तक मिल जाता है? 350 रुपये। 350 रुपये पेयर में कोई भी फिश इसमें से मिल जाएगा। और अभी भी यहाँ पे ये कोई फिश दिख रहा है, ये कोई काफी बड़ा सा इसका है, 250 रुपये पेयर में आएगा। ओके 250 रुपये पेयर में आ जाएगा ना। कोई को अरे भाई किसके साथ में रखना चाहिए ऐसे फिश? कोई कोई ज़्यादा करके गोल्ड के साथ में अवॉइड करे, गोल्ड को थोड़ा मार देता है ये अगर वरांडास वगैरह रहेगा तो। अगर आपको रखना है तो आप नॉर्मली इसको डॉलर वगैरह टिनफॉइल वगैरह के साथ में रख सकते हैं, या फिर शार्क वगैरह आपके साथ में पास में है, या फिर रैम्बो शार्क वगैरह तो आप इसको पालें। अरे भाई तो यहाँ पे एंजल फिश का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है, ये कितने तक? ये प्लैटिनम एंड मार्बल एंजल है इसके अंदर। आपको अगर पेयरिंग में लेंगे तो 60 रुपये पेयर में आपको आ जाएगा। ओनली 60 रुपीज़ से पेयर। दिखने में बहुत ही प्यारा दिख रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग है, एक ब्लैक वाला एक प्लैटिनम वाला है ना। दो वैरायटी का एंजल इसमें। एंजल जो रहते हैं अरे भाई उनको किसके साथ में रखना चाहिए सर? एंजल एक जगह पे थमा हुआ तो थोड़ा सा ध्यान रख के आप डॉलर वगैरह के साथ में डाल सकते हैं इसको, या फिर आप नॉर्मल आपके पास मच्छियाँ है जैसे गोल्ड वगैरह तो भी आप उसको रख सकते हो इजीली, या फिर आपके पास टेंजरीन वगैरह या फिर सॉटल वगैरह तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउन लोचेस के साथ में आप इसको रख सकते हो। अरे भाई ये वाला कौन सा फिश है? रेडाइज टेंजरीन है। ओके इनका क्या प्राइस है? ये आपको डजन मिलेंगे तो आपको 500 फॉर डजन, अगर पेयरिंग मिलेंगे तो 100 रुपीज़ का पेयर है। 100 रुपीज़ पेयर मिल जाता है? यस। और इसमें डॉलर भी दिख रहा है अभी भी? डॉलर सर ये आपको पड़ेगा 80 रुपीज़ का पेयर है, डजन मिलेंगे तो 300 रुपये डजन। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। और अरे भाई ये वाला जो फिश दिख रहा है ये ऑस्कर से? ओके मोज़ेक ऑस्कर एंड रेड ऑस्कर। ओके इनका कैसे प्राइसिंग है? 400 है पेयर। 400 रुपीज़ पेयर। इनको किसके साथ में रख सकते हैं? आपको ऑस्कर अगर आपका बड़ा है तो आप पैरेट के साथ में रख सकते हो। पैरेट के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चिकलेट के साथ? चिकलेट के साथ नहीं डालने का, नहीं चिकलेट नोस्ता उसको। और अरे भाई ये वाला जो दिख रहा है ये कौन से टाइप का ऑस्कर है? ये इम्पोर्टेड ऑस्कर है पैटर्न वाले बॉडी पे, जो नॉर्मल टाइगर आपने देखे अल्बिनो टाइगर उसके मुकाबले में ये अलग ऑस्कर है, तो ये आपको 200 रुपये पर पीस के हिसाब से आएगा। इसके अंदर येलो ऑस्कर भी है पैटर्न वाले मैंगो वाले, वो भी आपको 200 रुपये पर पीस में आएगा। जनरली हमने ऑरेंज वाले देखे थे, येलो वाले नहीं देखे थे, तो येलो वाले भी देखने मिल रहे हैं यहाँ पे ना? येलो वाले है और वो वाले मोज़ेक वाले जो पैटर्न वाले। ओके और यहाँ पे जो दिख रहे हैं टाइगर एंड कॉपर ऑस्कर। ओके इनका कैसे प्राइस? 454 पेयर। और अरे भाई यहाँ पे कौन से टाइप की फिश है? यहाँ पे बोस्मानिया है, ऑस्ट्रेलियन है और रेड रेम्बो है और ये कांगो डेट्रस है और ये लेपर्ड। ये नया फिश दिख रहा है अरे भाई? हाँ लेपोनिया से वो। ओके इनका मैंडेड लेपोनिया से, ये वाला आपको पड़ जाएगा भाई 600 फॉर पेयर में। 600 रुपीज़ पेयर में। ये कौन से टाइप यानी किसके साथ रख सकते हैं? देखो कट करो। हाँ अरे भाई ये कौन से टाइप का फिश है और कितना प्राइस है इसका? ये वाला आपको आ जाएगा बैंडेड लेपोनिया से ही है, ये वाला आपको आ जाएगा 500 रुपीज़ ईच में ना। ओके और ये यानी क्या नया फिश दिख रहा है मुझे? लेपोनियस की वराइटी है ये तो उसमें ना क्वालिटी अलग है थोड़ा सा, तो ये आपको नॉर्मल रेम्बोज वगैरह के साथ में आप गोल्ड फिश वगैरह के साथ में भी रख सकते हैं, एक्जोटिक वैरायटी के हिसाब से आप इसको पाल सकते हैं। ओके और ये जो रेनबो फिश दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन रेनबो 154 पेयर में आएगा आपको।
ओके। और ये जो पपर है वो ये आपको 200 पैर में आएगा, 200 रुपीज़ पेयर। हाँ, और इसके अलावा नियॉन रेम्बो 154 पैर में आएगा, 150 रुपीज़ पेयर। हाँ, और कांगो डेट्रो आपको 175 पर पीस, 175 रुपीज़ पर पीस। तो अरे भाई, ये सभी फिश हम प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं? ये प्लांटेड में रख सकते हैं सभी फिश, इसमें का सब सब रख सकते हैं। बट ये रेपोनियस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप रेम्बोज वगैरह इजीली रखते हैं। रेम्बोज तो रखते ही है ना। हाँ, रेम्बोज, कांगोज वगैरह, ऑस्ट्रेलियन बोस्मानिया वगैरह, ये सब बोस्मानिया भी रख सकते हैं। बोस्मानिया 175 पर पीस। ये वाला जो फिश दिख रहा है, ये फ्रंटोसा है, ये फ्रंटोसा आपको आ जाएगा 500 रुपये पर पीस। इसको किसके साथ रख सकते हैं भाई? चिकलेट वैरायटी है भाई, इसको बड़ा होता है, हेड आता है इसको, तो आप इसको अभी तो बहुत छोटा ही है, अगर आप बड़ा साइज का है तो आपको इसको इजीली कैरेट वैरायटी के साथ में, ऑस्कर के साथ में रख सकते हैं। कितना साइज होता है इसका? ये मेरे हिसाब से कुछ 4 से 5 इंच का जाता है। चिकलेट की वैरायटीज में आता है ना? हाँ, चिकलेट है फ्रंटोसा। टेट्रा के बारे में देख लेते हैं, टेट्रा का तो आपके पास में ऑलवेज कलेक्शन होता है, बहुत ही प्यारा था, तो इसमें कौन से टाइप का टेट्रा है यार भाई? टेट्रास के अंदर रमिनोस टेट्रा एंड हॉकी टेट्रास है, एंड कॉरीज वगैरह है, ग्रीन कॉरी एंड अल्बिनो कॉरी। सो हॉकी टेट्रा 250 रुपये डजन है और रमिनोस टेट्रा 454 डजन है। ओके, और इसमें कौन से फिश है बोला? ग्रीन कॉरी, ग्रीन कॉरी। हाँ, ग्रीन कॉरी 154 पेयर में आएगा आपको। यस अरे भाई, इसमें जो फिश दिख रही है हल्दी की लास्ट बोल रहा है 600 डजन, और नियॉन टेट्रा ये वाला लाइन दिख रहा है अभी, हॉकी टेट्रा है, हॉकी टेट्रा है। कितने का प्राइस है? 250 का 12। और इसमें जो ये दिख रहा है अभी भाई, ये नियॉन टेट्रा है, नियॉन टेट्रा का क्या? 254 डजन, 250 रुपीस डजन। और अभी भाई इसमें जो ये स्टर भी दिख रहा है, स्टर भी कॉरी है, 300 रुपीस पेयर। और अरे भाई, यहाँ पे कलरफुल फिश दिख रहा है, ये कलर वीडियोज है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, 3 टाइप से कलर है इसमें, पर्पल, ग्रीन एंड येलो वाला। आप डजन में लेंगे तो आपको ये बड़ा साइज है थोड़ा सा, तो 800 रुपये डजन में पड़ेगा, पैरिंग में 154 पैर में आएगा। ओके, और इसमें कौन सी वैरायटीज है आपके? यहाँ पे टेंजरीन है, यहाँ पे बोस्मानिया रेम्बो है। ओके, इनका क्या प्राइस? बोस्मानिया 175 पर पीस है। ओके, और ये वाला? ये भी बोस्मानिया, बोस्मानिया ये बहुत, यानी क्या बोलते हैं इसको, रेनबो कलर दिख रहा है, बोस्मानी इम्पोर्टेड है, वो कलरफुल ज़्यादा रहेगा, वो लोकल में जो आता है उसमें कलर नहीं होता है। ओके, और अरे भाई, ये टेंजरीन जो दिख रही है, टेंजरीन जो होता है रेडाइज वाला है, वो 100 रुपीज़ पैर है। और इसमें कोई और डबल टेल सीएमएस है वहाँ पर, डबल टेल सॉटेल, डबल टेल सॉटेल में कितना प्राइस आ रहा है? समथिंग 100 रुपीज़ पैर। अरे भाई, दिखने में बहुत ही बढ़िया सा कलरफुल सा टैंक दिख रहा है आपका। हाँ, तो इसके अंदर पता चल जाएंगे आपको कौन सी मछली है किसके साथ में रखना। ओके, यानी ये जो फिश का कॉम्बिनेशन रखा है आपने, ये बताना चाहते हो कि इस तरह से आप रख सकते हो ना? काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो हम लोग की शॉप के अंदर आके लोगों को पता चलता है कि हाँ, इसके साथ में ये रहता है। तो हाँ, यानी आप एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हो, तो उनको यानी लोगों को डाउट ही नहीं रहता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं करते, ताकि काम है तो वो हम लोग साथ में डालते हैं, हम लोग को पता है कि कौन सी मच्छी किसके साथ में रहती है, तो वो हिसाब से फिर हम लोग रख देते हैं साथ में। ग्रेट आरिफ भाई, ग्रेट। और आरिफ भाई, यहाँ पे भी फिश का कलेक्शन यहाँ पे बहुत सारे टेट्रास मिक्स में, मैं आप लोग को बता दूंगा, रमिनोस वगैरह है, ब्लैक डायमंड एम्परर है यहाँ पे, और ब्लैक नियॉन है, एम्परर है यहाँ पे, नियॉन रेम्बोज है यहाँ पे, यहाँ पे माउंटेन बिनोज हैं, बहुत सारा मिक्स इसके अंदर। हाँ, मिक्स है इसके अंदर। तो प्राइस बता दीजिए कैसा है इसके अंदर? एस पी आर लिक्विड रासबोरा है पीछे बाजू नजर, एस पी आर लिक्विड रासबोरा आपको 700 डजन है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक नियॉन है 354 डजन। इसके अलावा नियॉन रेम्बोज है इसके अंदर 404 डजन। इसके अंदर आपको एम्परर टेट्रा मिलेगा, ये वाला एम्परर है 504 डजन, 500 रुपीज़ डजन है ना। यहाँ पे ब्लैक डायमंड एम्परर है। ओके, ये वाला बहुत ही रेयर फिश है यार भाई, ब्लैक डायमंड एम्परर, ये प्लांटेड में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये वाला आरी भाई ना? हाँ, ब्लैक डायमंड एम्परर है। ओके, इसका कैसे बोले प्राइस? ये आपको 704 डजन में पड़ेगा, पैरिंग मिलेगा तो 154 पैरिंग। और आरी भाई, इसमें जो ग्लोइंग टेट्रा नहीं बोलेंगे, पर्पल विडो टेट्रा है, इसका क्या प्राइस है? 504 डजन है, 500 रुपीज़ पर डजन, यानी छोटा साइज है करके कम प्राइस में अपने को मिल जाएगा ना। हाँ, अभी फिलहाल जो है इस प्रेजेंट में विडोज का रेट थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये जो पहले डिमांड हो गया और थोड़ा सा ब्रीडिंग कम हो गया इसका। ओके, तो प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए वीडियोस के, क्योंकि एक टाइम था छोटा वीडियोस था, सस्ता था, मिल रहा था ग्रीन येलो पर्पल वगैरह सस्ते में मिल रहा था, तभी अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया फिर से। 504 डजन अभी चल रहा है इस प्रेजेंट में।
और आरी भाई, मॉली का जैसा एज यूजुअल आपके पास में बहुत ही कलरफुल कलेक्शन रहता है, वैसे इस बार भी दिख रहा है, ये कैसा प्राइस है? ये जम्बो मॉली है, बड़ा साइज का। इसमें मिक्स है, चॉकलेट है, गोल्डन है, ग्रे है, वाइट है, स्पॉटेड है, मिक्स लॉट है इसके अंदर मॉलीज का। तो आपको डजन मिलेंगे तो 250 रुपये डजन है। 250 रुपीज़ डजन। बहुत ही एक्टिव दिख रहा है आरी भाई फिश। मॉलीज के अंदर भी डिपेंड होता है भाई क्वालिटी। बारीक वाला जो छोटा साइज आता है वो कचरा होता है, सस्ते में आता है, एकदम चीप में। okay. इसके अंदर भी क्वालिटी मेंटेन है। ये वेडिंग साइज है फुल साइज में, तो ये बच्चे वगैरह जल्दी ज़्यादा जल्दी देते हैं लोग वेडिंग के लिए। बच्चे लोग घर में पालते तो बच्चे देते थे, और ये कलर में भी काफ़ी अच्छे रहते हैं बड़े होने की वजह से। और जो बारीक जो साइज मिल रहा है मार्केट के अंदर जो मिलता है, तो वो एकदम ऑर्डनरी है, वो सस्ता होता है वो। और अरे भाई, ये वाला, ये टेट्रा से विडो जेबरा टेट्रा है, जेबरा टेट्रा डेनियो। ओके, ये आपको 254 डजन में आएगा। इसमें तीन कलर है अभी भाई, तीन कलर है इसमें, येलो, पिंक और ग्रीन वाला। तो आप इनको कहाँ पे रखने के लिए रेकमेंड करते हो? ओनली फॉर टेट्राज वगैरह में आप इसे रख सकते हो। ओके, गप्पी के साथ में नहीं रखना? गप्पी के साथ में चलता है, चलेगा ना। ये पागू किराना से, ये आपको पड़ जाएगा 154 पेयर में। 150 रुपीस पेयर। यस, बहुत बड़ा साइज है और कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाता है। पिराना मॉन्स्टर में आता है, अगर आपने मॉन्स्टर में अच्छी रखा ऑस्कर वगैरह, तो आप इसको जाइंट गुलामी ऑस्कर वगैरह पैरेट वगैरह के साथ में भी रख सकते हो। तो ये नहीं, कुछ नहीं करेगी दूसरे को ना? नहीं, ये मच्छी एक्टिव होती है और मतलब मॉन्स्टर होने वाली बड़ी। ये मैं पिराना दिख रहा हूँ, ये कौन से टाइप का पिराना है जो की कलर दिख रहा है इसमें? ये पागू पिराना है भाई, पागू पिराना है, स्पॉट्स भी है और नीचे साइड में रेड कलर भी है। पागू पिराना है, और ये तो थोड़ा सा क्वालिटी रहता है इसके अंदर भी डिपेंड, थोड़ा सा स्पॉटेड वगैरह अच्छा थोड़ा सा। और इसके बाजू में जो है आरी भाई, यहाँ पे जो फिश दिख रहा है ये कौन सी है? ये प्लैकोस है, मतलब सकर और प्लैकोस है, ब्लैक एंड व्हाइट वाले दोनों अल्बिनो। ये अल्बिनो भी दिख रहा है आरी भाई। तो इनके कैसे प्राइसेस है आरी भाई? 154 पेयर में आपको आ जाएगा। 150 रुपीस पेयर में। बड़ा साइज का ब्लैक सकर है, और गोल्डन वाला ये साइज 3 इंच इसका साइज है। और यहाँ पे आरी भाई, ये मॉली फिश भी दिख रहा है बड़े साइज का, जम्बो मॉली। ओके, इनका क्या प्राइसेस है? वाला 154 पेयर है। 150 रुपीस पेयर। तो आरी भाई, यहाँ पे ये फ्लोरॉन दिख रहे हैं, ये कौन से टाइप के? ये फेडर फ्लोरॉन है, और रेड ड्रैगन में फेडर होते हैं ना, जो अल्बिनो वाले फ्लोरॉन है, ये वाले आपको 154 पॉपीज में पड़ेगा। ओनली 150 रुपीस। यस। इनको किसके साथ में रखना है आरी भाई? ये सिंगल रहता है, अगर आपको इसको रखना है तो चिकलेट के साथ में रख सकते हो। चिकलेट के साथ में रहेगा, छोटा सा इसका पैरेट और चिकलेट के साथ में रहेगा। ओके, बहुत ही एक्टिव फिश दिख रहे हैं। और आरी भाई, ये वाला जो शार्क फिश का भी छोटा सा कलेक्शन दिख रहा है ना, छोटे साइज में आपके? ब्लैक एंड व्हाइट शार्क है ये, 1670 रुपीस पे है। ओके, यानी ये भी मॉन्स्टर फिश में आता है ना आरी भाई? मॉन्स्टर में आता है, ये बड़ा होता है 2 फीट तक का। यहाँ पे सकर फिश दिख रहा है, प्लेकोस है ये, अल्बिनो है ये, अल्बिनो ये बड़ा साइज का प्लेको है, अल्बिनो वाला। ये तो महंगा होगा ना, 250 रुपये पर पीस है। ओके, और ये छोटे वाले प्लेको? ये छोटे वाले आपको पड़ जाएंगे समथिंग 50 रुपीस इच में। 50 रुपीस इच। ये वाला कौन सा फिश है? लेजर नाइफ फिश है। ओके, 154 पे है। ये भी मॉन्स्टर फिश है, मॉन्स्टर में आता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है अरे भैया। ये तो डाला नहीं। और अरे भाई, यहाँ पे बाला शार्क से। ओके, बाला शार्क से डॉलर से। इससे बाला शार्क को भी मॉन्स्टर फिश में डाल सकते हैं क्या? मॉन्स्टर लोग का भी साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। मॉन्स्टर बोले तो भाई, एक मॉन्स्टर में टाइप्स होता है, एक 2 फीट होने वाला होता है और एक 10 इंच 12 इंच होने वाला होता है। तो 12 इंच हो जाता तो भी मॉन्स्टर में पकड़ लेते हैं उसको। मगर मेरे हिसाब से एक ये भी आप इसको रख सकते हो नॉर्मली डॉलर वगैरह के साथ में, या फिर अगर आपको बड़ा मच्छी आपके साथ में है तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े जो से गार एलिगेटर वगैरह रहता है उनके साथ नहीं चलेगा? एलिगेटर गार अगर बड़ा साइज का रहेगा तो फिर वो निगल लेता है, वो तो कभी दिखता नहीं है, बड़े बड़े गोल्ड भी खा लेता है। तो आप इसको नॉर्मली इजिली पालो, डिम्फॉइल वगैरह डॉलर वगैरह के साथ में इजिली, मीडियम साइज वाले जो मॉन्स्टर्स है उनके साथ रख सकते, वो रख सकते। और आप डॉलर है, 500 रुपीज़ पेयर, 500 रुपीज़ पेयर है बड़ा डॉलर। और आपके पास में छोटे भी अवेलेबल है? छोटे भी, जिनको जैसा अफोर्डेबल लगता है वैसे वो जो जिसको जैसा लेना है वैसा। सॉरी भाई, एज यूजुअल आपने बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया इस बार भी, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया आरी भाई इस बार वीडियो के लिए, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था जगह के ऊपर से, शॉप के ऊपर से, तो फिर वो हिसाब से माल भरने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था, तो दुकान थोड़ी थोड़ी खाली थी, तो वो हिसाब से वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था, और काफ़ी लोग के कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को पार्सल भी नहीं कर पा रहा था, तो वही लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट मैटर चल रहा है थोड़ा सा। कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी मतलब हो जाएगा, मतलब पता नहीं चलता है, तो वो हिसाब से फिर वीडियोज़ नहीं बना रहा था। तो ठीक है आरी भाई, हम सब आपके साथ में हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा।
तो आप टेंशन मत लीजिए कोई भी बात का, दुआ कीजिए भाई, रमज़ान का महीना इंशाल्लाह जो भी मुसीबत हम लोग पे चल जावे और अल्लाह की रहमत हो जाए हमारे पे, आप लोग दुआ कीजिए और दूसरा के ये के समथिंग जो भी प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाए और हमारा हम लोग का जो भी हम लोग का फैसला हो जाए हमारे घर में, और बाकी दुआ में याद रखिए, बुला चुका माफ। ओके आरिफ भाई, बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।